हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों नमस्कार, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। दोस्तों ये IFB की वॉशिंग मशीन है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि 5 मिनट में वॉशिंग मशीन का हीटर लगा हुआ चेक करें ख़राब है कि नहीं, इसी पे यह वीडियो है। तो दोस्तों यहां पीछे कवर है, यहां पे जो 4-5 स्क्रू उसको आप खोलेंगे, फिर आपको हीटर चेक कराना हम बताते हैं। तो दोस्तों कोई मल्टीमीटर नहीं, कोई क्लैंप मीटर नहीं, आसानी से 5 मिनट के अंदर मैं बताता हूँ कि हीटर कैसे चेक करना है। बस एक साधारण सा उपाय मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ आपको एक टेस्टर लेना है जिससे हम चेक करते हैं फेस आ रहा है या जो टेस्टर पे शो करता है, आपको उसी को लेना है और आपको मैं बताऊंगा कि 5 मिनट के अंदर अंदर कैसे आपको हीटर चेक करना है। बहुत सरल उपाय बताऊंगा। तो इस वॉशिंग मशीन का हीटर ख़राब है और दूसरी वॉशिंग मशीन पे बताऊंगा उसका हीटर नहीं ख़राब है, दोनों को कैसे चेक करना है, इसी पे यह वीडियो है। तो चलो दोस्तों ये ढक्कन खोल दिया हूँ, अब हम दिखाते हैं यहाँ पे हीटर लगा होता है। ये IFB की वॉशिंग मशीन है, यहाँ पे हीटर है, इसी हीटर को हमें चेक करना है कि हीटर ख़राब है या सही है। तो हम चलते हैं आगे साइड जहाँ पे डिस्प्ले है, डिस्प्ले को हम ऑन करेंगे। अब यहाँ पे दिखाते हैं, यहाँ पे एक्सप्रेस 15 है, आपको यहीं पर ला के ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद फिर आप ये देखिए एक्सप्रेस 15 लिखा हुआ है, आप प्रेस स्टार्ट कर रहा है, यहाँ पे आप प्रेस करोगे, अब ये अपने आप थोड़ी देर अभी चालू हो जाएगा। तो आपको मल्टीमीटर या क्लैंप मीटर की कोई ज़रूरत नहीं है, मात्र एक 40-45 रुपए के टेस्टर से आप कितना अच्छा कार्य कर सकते हैं, कितनी चीज़ें चेक कर सकते हैं। अब ये पानी ले लिया है वॉशिंग मशीन, अब हम पीछे साइड चलते हैं, यहाँ पे चलेंगे और इस हीटर को चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे जब मैं टेस्टर लगा रहा हूँ तो यहाँ पे शो बता रहा, दूसरे दोनों छोर पे ये शो कर रहा है कि यहाँ पे सप्लाई आ रही है, तो ये दूसरे छोर पे उसका शो है। तो मैं एक वायर निकाल दिया हूँ रेड वाला, अब यहाँ पे टेस्टर लगाता हूँ तो यहाँ टेस्टर शो कर रहा है। अब इसको हम फिर लगा देंगे तो यहाँ भी शो कर रहा है, यहाँ भी शो कर रहा है। तो आप कैसे जाने कि ये फेस किधर से आ रहा है, तो आपको सर्वप्रथम एक वायर इसकी निकालनी पड़ेगी, जो एलिमेंट पे 2 वायर लगे हैं एक वो आप निकाल लो, पता चल जाएगा कि कौन से वायर में फेस है, क्योंकि रिटर्न जा रहा है। यहाँ पे जैसे आप निकालेंगे फिर यहाँ पे उस पर टेस्ट करेंगे और जो निकाले हो यहाँ पे, यहाँ चेक किए यहाँ फेस आ रहा है और यहाँ पे चेक करेंगे क्या फेस आ रहा है। इसका मतलब है कि आपका 100% हीटर सही है। ये सबसे आसान तरीका चेक करने का है, इधर भी सप्लाई आ रही है और दूसरे छोर पे भी सप्लाई आ रही है। अगर यह हीटर ख़राब होता तो दूसरे छोर पे सप्लाई नहीं जाती, क्योंकि अब यहाँ पे दोनों पे शो कर रहा है। इसका मतलब कि हमारा न्यूट्रल जब कटा हुआ है, हीटर ऑन नहीं हो रहा तो वहाँ सप्लाई गई, अगर ये वायर निकाल दिया तो फिर यहाँ पर सप्लाई शो नहीं कर रहा है, टेस्टर जो हमारा शो नहीं कर रहा है कि अब इस पर नहीं गया। तो इसको हम फिर लगाएंगे, आप वॉशिंग मशीन को बंद करके ही लगाना, क्योंकि हम तो चालू पे ही चेक कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप वॉशिंग मशीन को बंद करके फिर चालू कर। अब यहाँ पे सप्लाई चेक करेंगे और दूसरे छोर पे भी, तो अब इसको हम निकाल देंगे, एक बार निकालेंगे देखेंगे क्या ऐसा ही, हाँ ये आ रहा है, मतलब यहाँ से चला और हीटर जो है उसके अंदर जो एलिमेंट है वहाँ से होके यही रिटर्न हो रहा है यहाँ पे। इसका मतलब आपका हीटर बिल्कुल सही है, 100% सही है। तो ये चेक करके अब हम आपको एक ख़राब हीटर पे चेक करा के दिखाता हूँ। ये तो हो गया, अब ये हीटर सही है, अब हम दूसरे वॉशिंग मशीन पे आपको चेक कराता हूँ, इसी कंपनी की वॉशिंग मशीन है। अब इसको हम आपको चेक कराते हैं, अब यहाँ पर फेस आया, वायर खाली चेंज है, बस इसका खाली यहाँ फेस नहीं है, ठीक
हो सकता है कि न्यूट्रल आता हो, तो हमें एक वायर को निकालना पड़ेगा। यहाँ पर टेस्टर है, तो जिस पर टेस्टर नहीं जल रहा है उसे हमें निकाल देना पड़ेगा। यहाँ पे शो कर रहा है। अब दूसरे वाले छोर पे हम चेक करेंगे तो वहाँ पे शो नहीं करेगा, तो हमें इस वायर को निकाल देना पड़ेगा। यहाँ चेक किया, हो गया, तो हीटिंग पे आ गया है बराबर। आप बिल्कुल समझ रहे होंगे, यहाँ पे आया सप्लाई। अब हम रेड वाले को निकालेंगे, नहीं निकल रहा था, प्लास की सहायता लेंगे। तो आप जब निकालना, वॉशिंग मशीन बंद करके निकालना, फिर उसको चला के चेक कर लेना, क्योंकि आप चलते हुए लाइन पे मत चेक करना। अब ये निकाल दिया हूँ। अब अगर यहाँ पे सप्लाई नहीं आती तो समझो हीटर ख़राब है। ये यहाँ पे रिटर्न नहीं आया, जो हीटर लगा हुआ था यहाँ पे रिटर्न नहीं, इसका मतलब 100% आपका हीटर ख़राब है, क्योंकि यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पे शो किया। तो इसका रिटर्न आपके दूसरे छोर पे जाना चाहिए। यहाँ पे शो किया, देख रहे हैं आप, अब यहाँ पे नहीं जा रहा है, इसका मतलब कि हीटर ख़राब है। ख़राब हीटर कैसे होता है? बीच से उसकी जो कॉइल होती है टूट जाती है या ब्रेक हो जाती है, तो वो हीटर ख़राब हो जाता है। अब हम इस वायर को लगा देंगे। तो दोस्तों ये लगा दिया, अब इसका हम ढक्कन बंद कर दे दें। तो दोस्तों आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हीटर एक टेस्टर की सहायता से चेक करेंगे। बहुत हमने साधारण से बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करके बताएं कि हाँ आपको वीडियो पसंद है, और अगर वीडियो में सच्चाई है या वीडियो में गुणवत्ता है तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। इस प्रकार से हम इस कवर को लगा देंगे, तो इसमें जितने भी स्क्रू से उसको हम लगा देंगे। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ आपसे हम फिर मिलेंगे।